नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल, जहां पे फिल्म लाइन से जुड़ी जानकारी दी जाती है। अभी फिलहाल हम लोग जो है लोकेशन पे हैं और आपको लाइव लोकेशन दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह का एक लोकेशन है जहां पे अभी हम लोग ढलान पे जा रहे हैं। और तो आज हम लोग अभी ढलान पे जा रहे हैं और मेरे साथ जो है साउंड रिकॉर्डिस्ट विकास हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मेरा चैनल है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए। अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा बात करते हैं, लेकिन मैं नीचे उतर जाता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि अभी मैं लातूर में हूँ और एक डैम पे है, हम लोग बांध पे हैं। हम भी हैं पीछे भाई। और देखिए, हमारे सारे जितने काम करने वाले लोग हैं वो हैं। और ये रहा डैम के नीचे, हम लोग उतर गए। ये देखिए, इस तरह का नज़ारा है ये बिल्कुल। हालांकि अभी बरसात मुंबई में चल रही है, लेकिन लातूर तक अभी तक पानी पहुंचा नहीं है, यानी लातूर में भी हुआ नहीं है बारिश, इसलिए ये बहुत ही सूखा लग रहा है। मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये डैम है, ये रहा पूरा डैम। तो चलिए, स्टील दादा भी है हमारे साथ में जो स्टील कर रहे हैं, साथ में विकास। आज विकास से मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। विकास, आप क्या कर रहे हैं इसमें, इस पूरे शूटिंग के अंदर आपका क्या डिपार्टमेंट है? मेरा साउंड रिकॉर्डिंग का डिपार्टमेंट है, जिस साउंड रिकॉर्डिंग और इस फिल्म का डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। साउंड डिज़ाइन कर रहे हैं आप? अच्छा, इनका काम है कि जो भी ये हो रहा है, शूट हो रहा है, उसमें जो है साउंड रिकॉर्डिंग, क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले नागरा हुआ करता था 4.2, जिसमें टेप लगा हुआ होता था। कई फिल्मों में आपने देखा होगा वो गोल चक्री हुआ करती थी जिसमें चलता था। अभी फ़िलहाल डिजिटल रहता है, उसकी बात जानकारी हम लोग आगे लेते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनके साथ में ये रिकॉर्डिस है, इनके साथ में इनका एक असिस्टेंट आता है जिसे बूमेन कहते हैं। तो बूमेन भी आपका साथ में है? आपका बूमेन है। अच्छा, ये डिजिटल जो आपने क्या कहाँ से सीखा, कहाँ से ये सीखा, कहाँ से? पुणे में एक इंस्टीट्यूट है मीडिया पार्टनर करके, जी वहाँ से सीखा था 6 साल पहले। 6 साल पहले पुणे में मीडिया पार्टनर करके इंस्टीट्यूट है, उसमें आपने सीखा था। तो क्या सही में, मतलब अगर इस फील्ड में आना है टेक्निकल चीज़, तो क्या सीखना ज़रूरी है? सीखना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सीखना मतलब सीखने से आपको नॉलेज होता है, नॉलेज होता है। और ये एक्चुअली टेक्निकल चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है। एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको पता होता है, नॉलेज होता है ऑलरेडी अपने इक्विपमेंट का पूरा सीखने के बाद। तो ये साउंड में तो क्या मतलब, उस मशीन आइए कुछ मशीन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उनकी जो है साउंड रिकॉर्डिंग का चीज़ें हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। साइलेंस, साउंड रोलिंग, थैंक यू, एक्शन। मुझे बताइए थोड़ा सा, क्या है ये, क्या चीज़ है जो हम दिख रहे हैं हम लोग अभी इस समय? ये रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर है। हाँ। जूम का एफेक्ट है, एट ट्रैक का। हाँ। और मेरे पास 4 लेपल माइक है। हाँ। सिनेजर के। हाँ। बूम माइक है 416। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब आसान हो गया पहले से काफ़ी कि आप गले में टांग लेते हैं और फिर हर जगह जाके? हाँ, आसान हो गया अभी तो फिलहाल। अच्छा, अभी बताइए कि सर, क्या अभी आपके समय भी ये अभी सीखने के बाद काम मिलना आसान होता है, कि काम होता है आसानी से अभी? नहीं, काम तो आसानी से नहीं मिलता। हाँ। काम के लिए तो बहुत काम तो अपने इस पर ही मिलता है। हाँ। तो अभी मतलब कि ये है कि ये एक्चुअली ये है कि अब डिजिटल में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और ये सीखना है, सीखने के बाद काम थोड़ा मिल जाता है, लेकिन फिर भी? हाँ, मिल जाता है। आपको आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये क्या 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 नंबर है इसका, ये जो है अभी इस समय जो साउंड का है, ये एफेट है? एफेट है। तो इसमें कितने माइक एक साथ ये लगते हैं? 8 माइक लगते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी जानकारी दी। देखा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि साउंड का सिस्टम जो है कैसे इस्तेमाल होता है फिल्म लाइन में। हालांकि जो मैंने आपको दिखाया, जिनसे मिलवाया, वो डिजिटल है। डिजिटल यानी आज के ज़माने का है। और इससे पहले नागरा इस्तेमाल 4.2 हुआ करता था, जिसमें टेप हुआ करता था। आपको अगर आपके घर में अगर एक कैसेट आती होगी तो उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर पहले एक रील होता था जिसे हम टेप रिकॉर्डर में डालते थे। उस समय वो नागरे में भी 4.2 में उससे थोड़ी जाड़ी सी पट्टी हुआ करती थी। और आपको बता दूँ कि जो माइक होता है, जो साउंड सिस्टम होता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिस जगह पे जो आर्टिस्ट ने क्या कहा है उस वक्त उसे वो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद इसकी डबिंग होती है। डबिंग का यानी जब ये पूरा इसे देखते हैं थिएटर में जब ये जब एडिटिंग हो जाती है इसकी, तब देखते हैं कि उस समय उन्होंने किस अंदाज में कहा था,
क्या डायलॉग थे, कैसे उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था, इस सारी चीज़ों के लिए ये रेफरेंस साउंड लिया जाता है। रेफरेंस साउंड के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि रेफरेंस भी नहीं लिया जाता है। अगर इसे सिंग सॉन्ग, अगर पूरा साउंड सिस्टम सिंग सॉन्ग का ले आए तो ये पूरा का पूरा पिक्चर सिंग सॉन्ग बनता है, यानी सेट पे। लेकिन उसके लिए क्या होता है, सेट पे जो होता है पूरी साइलेंस रखा जाता है सभी को, और माइक जो है वो अच्छी वाली यूज़ की जाती हैं। हालांकि जो मैंने आपको जो अभी दिखाया डिजिटल का, ये वायरलेस है। पहले जो समय में इसमें वायर वाला हुआ करता था, बूम लगाते थे और माइक को जो है नज़दीक रखते थे, लेकिन अब जो है कॉर्डलेस माइक हो चुका है। कॉर्डलेस माइक का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आर्टिस्ट को भी तकलीफ़ नहीं होती है, साउंड रिकॉर्डिस्ट को भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो अब आज के ज़माने में जो है ना, उसे बहुत ही अच्छा हो चुका है कि आप बस कॉर्डलेस माइक लगा लो, आर्टिस्ट अपने फ्रीडम रहता है, वो वायर वेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जहाँ भी जाता है उसका साउंड रिकॉर्ड हो जाता है। और ये साउंड जो है रेफरेंस है, इसके बाद डबिंग होती है। और कभी कभी फिल्मों में रियल साउंड डालने के लिए, बिल्कुल कई कई फिल्मों में आप देखते होंगे एकदम रियल साउंड, एकदम रियल लगता है। तो रियल का मतलब होता है कि वो साउंड जो होता है वो बिल्कुल सिंग सॉन्ग में शूट किया होता है, यानी जो जिस वक्त शूटिंग करते हैं उसी वक्त जो आवाज़, जो साउंड लिया गया है, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे वहाँ की कोई मूवमेंट हो, उसी को वो जो है फिल्म में चिपका देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, कुछ मैं उनके नाम अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें बिल्कुल रियल आवाज़ डाली गई है, जिसमें कुछ डबिंग वबिंग नहीं की जाती। जिससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर का पैसा बच जाता है, एक ही बार जो है सब कुछ करना होता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हर जगह पर साइलेंट होना पड़ता है, सबको चुप कराना पड़ता है, क्योंकि उसी साउंड को हम फिल्म में यूज़ करने वाले हैं। तो जो साउंड छप रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये जो आपने, मैंने आज जो दिखाया आपको, जो हमारी शूटिंग जो भी चल रही है यहाँ पे इस जंगल में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि चिल्ला देते हैं, गांव के लोग चिल्लाते हैं, कहीं बीच में से मोटरसाइकिल पास हो गई, कहीं ट्रक गाड़, तो इसके लिए खेल रेफरेंस साउंड लेते हैं। इसके बाद जब एडिटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे फिर वापस आर्टिस्ट को बुलाएंगे और उसे फिर दोबारा वही सारी शब्दों को है उच्चारण करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर क्लियर से एक साउंड जो है आपको जो थिएटर में सुनने मिलेगी उसे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी साउंड का सिस्टम है। और काम के, अगर आपको लगता है कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे, आप जैसे इन्होंने बताया, दीपक ने बताया कि उन्होंने सीखा कहीं से, और सीखने के बाद जो है ये टेक्निकल चीज़ जो चीज़ें आप जो सीख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं काम आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल का भी अनुभव आपको होना चाहिए। तो किसी साउंड वाले, साउंड रिकॉर्डिस्ट जो होते हैं, उनके साथ आप असिस्टेंट में कर सकते हैं, असिस्टेंट में बूम मैन का काम कर सकते हैं। तो बूम मैन में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, आपको बस ला के देना है माइक। और हालाँकि रिकॉर्ड तो साउंड रिकॉर्डिस्ट करेंगे, लेकिन बूम मैन जो है उनके सहायक रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हेल्प करते करते वो एक ना एक दिन साउंड रिकॉर्डिस्ट बन जाते हैं, और फिर बाद में पर्दे पे आपका भी नाम आता है और अच्छा खासा पैसा भी आपको मिलता है। और अगर आप चाहते कि मुझे काम उसमें करना है, साउंड का आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी साउंड इक्विपमेंट वाले के पास आप जा सकते हैं, उनसे काम मांग सकते हैं। और ऐसे मुंबई में बहुत सारे साउंड रिकॉर्डर्स वाले हैं, आप उनमें जाएंगे तो आपको ज़रूर आपके जो है वो आपको काम मिल जाएगा आसानी से। तो इसी तरीके से आप लगा आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं फिल्म लाइन में जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं थी, अब हमारे चैनल के माध्यम से आपको हो रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो भाई लाइक तो देखे जाना ही पड़ेगा आपको, कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, वरना इस चैनल को आप ढूंढते रह जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आज जो है यस्मीन अनीस जो है, अनीस है लातूर से ही है, और लातूर से अनीस है, उनके दोस्त मोहसिन सैयद ये जो है हमारे भोजपुरी वन के परिवार से है। और आज जो है हमारी शूटिंग जो है यहाँ पे चल रही थी, ये जो कैमरा सामने देख रहे हैं आप, लातूर में चल रही थी, और इन्होंने जो है मैसेज किया और आज यहाँ पे आए। ऐसा बहुत कम होता है कि चांस मिल जाता है कि लाइव शूटिंग देखने का, और मैं सभी को यही कहता हूँ कि एक बार ज़रूर देखें, ताकि उनको जो भी काम वो करना चाहते हैं थोड़ा बहुत अनुभव आ जाए। तो आज इन्होंने भी देखा, कैसा रहा आपको आज अनुभव? अगर अच्छा रहा, बढ़िया रहा, कुछ नया देखने को मिला। जी बिल्कुल, कुछ नया देखने को मिला, आपको भी देखने मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको आगे बताते रहता हूँ जो है अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है, तब तक के लिए बाय। टेक नंबर 3, एक्शन।
शॉट नंबर वन, टेक वन, टेक थ्री, टेक थ्री, टेक टू, टू बाय वन, रोलिंग, टेक टू, टेक थ्री, टेक थ्री. अच्छा.